वेलकम अगेन। अब हम मैथमेटिक्स का आज चैप्टर लेकर आ रहे हैं, ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स है, पहले हम बेसिक्स पे थोड़ा बहुत बात करेंगे कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल टाइप ऑफ पॉलीगन होता है, पॉलीगन का एक किस्म होता है ट्रायंगल। लेकिन कौन सा पॉलीगन? थ्री साइडेड पॉलीगन, जिस पॉलीगन में तीन साइड्स हो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल में तीन एंगल्स भी होती हैं और तीन वर्टिसेस भी होती है। ये हुआ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की जो ट्रायंगल है, यहां से हमें पता चलता है कि ये दो वर्ड से बना है, ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है द रेवोल्यूशन मेड बाय अ रिवॉल्विंग लाइन ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक लाइन अपनी एक्सिस पे कितनी घूमेगी उसको हम एंगल कहते हैं। सो अब ट्रायंगल्स के जो टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं। ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें पहली ट्रायंगल जो आती है वो है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, और जो दूसरी ट्रायंगल आती है वो है ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, और जो तीसरी ट्रायंगल आती है वो है राइट एंगुलर ट्रायंगल। अभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल एक्यूट हो तो उसको एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, पहली इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें सारे साइड इक्वल हो, और दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें सिर्फ दो साइड इक्वल हो, और तीसरी स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता है। सो ज्यादा हम बेसिक्स पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम बेसिक्स को ज्यादा अहमियत दें। तो हम सीधा थ्योरम्स पे पहले जाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। जो हमारी पहली थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं ट्रायंगल्स के बारे में। अगर हमें एक रोड डिजाइन करना है, ये मान लो कोई रोड है, अगर इस रोड में हमें लाइट्स लगानी है, चार लाइट्स दी हुई है, एक दो तीन और चार। अगर ये चारों लाइट्स मुझे फिक्स करनी हो तो मैं ऐसे फिक्स कर सकता हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ। अगर आप देखोगे यहां दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं, ये हो गई एक ट्रायंगल और ये हो गई दूसरी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स के पास एक कॉमन बेस होता है, बेस इनकी कॉमन है। अगर आप देख लोगे, मैं जब बना लूंगा, ये वाली देख लो इसी बेस पे बन रही है, और ये वाली भी इसी बेस पे बन रही है। दोनों ट्रायंगल्स एक ही बेस पे बन रही है, कॉमन बेस, और जो इनकी हाइट है वो कॉन्स्टेंट है, कॉमन बेस एंड कॉन्स्टेंट हाइट। अब कैसे हम समझेंगे कि कॉमन बेस और कॉन्स्टेंट हाइट से हमें मतलब क्या निकलेगा? सपोज मैं बताऊंगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल वन रखूंगा, इस ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल टू रखूंगा, तो क्या जवाब आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है कॉमन है, जो ट्रायंगल वन की बेस है वो ट्रायंगल टू की भी बेस है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बेस बेस कैंसिल हो जाएगी, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी। सो यहां बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल वन डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, किसके बराबर? वन। यहां कुछ नहीं बचा, वन बचा। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल टू। सो हमें यहां पे ये समझ आ गया कि जब पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बनती है तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास एक कॉमन बेस होती है और कॉन्स्टेंट हाइट होती है। पहले ये याद रखना आपको। अब हम सीधे थ्योरम 6.1 पे जाते हैं। 6.1 की जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको एक और नाम हम देते हैं थेल्स थ्योरम। अब ये बताती है थ्योरम क्या है, मैं स्टेटमेंट आप मैथ से देख लोगे, आप मैथ से स्टेटमेंट देख लेना, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं, मैं बताता हूं थ्योरम बताती क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसे कि अगर एक ट्रायंगल दी हुई है, सपोज हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, अगर इस साइड के पैरेलल हम एक और लाइन डालेंगे, इस साइड के पैरेलल हम लाइन डालेंगे डी ई। सो थ्योरम बताती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।
पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, यही है, जिसमें डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, डीई पैरेलल बीसी। और इसके साथ साथ प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूफ करना है वो है एडी डिवाइड बाई डीबी इक्वल्स एई डिवाइड बाई ईसी, एडी डिवाइड बाई डीबी इक्वल्स एई डिवाइड बाई ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम पहले कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बाद प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बी को ई के साथ ज्वाइन करना है और डी को सी के साथ ज्वाइन करना है। कंस्ट्रक्शन में हम यही लिखेंगे, ज्वाइन बी विथ ई एंड डी विथ सी। हम थोड़ा हट के प्रूफ करेंगे, जो एनसीईआरटी में प्रूफ है वो प्रूफ हम नहीं करेंगे, थोड़ा हट के प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते हम, प्रूफ जो हम करेंगे वो तीन स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में जो ये वाला साइड है इसको हम यहां पे लिखते हैं ऐसे, ए डी और बी, यही तीन चीजें हैं इसमें, ए डी और बी। ए जो है वो ई तक जाता है, डी भी ई तक जाता है, बी भी ई तक जाता है, तीनों कहां पे मिलते हैं, ई पे। तो यहां पे एक पॉइंट रखेंगे ई, ए भी ई तक जाता है, डी भी ई तक जाता है और बी भी ई तक जाता है, तीनों ई पे मिलते हैं। यहां दो ट्रायंगल्स बन गई, एक और दो, पहली ट्रायंगल ए डी ई और दूसरी बी डी ई। एरिया निकालते हैं पहली ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 ऐसे ही लिखना है, बेस के बदले एडी, बेस ये नीचे वाली होती है, एडी इनटू हाइट, हाइट के बदले कुछ नहीं एच एच ही रखना है, इसका नाम हम फर्स्ट लिखते हैं। हाइट के बदले हम डी भी लिख सकते हैं लेकिन हम नहीं लिखेंगे। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई इक्वल्स 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, सिमिलरली 1/2 इनटू बेस, बेस के बदले अब डीबी, हाइट के बदले एच, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। अब इन दो को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देख लो आप आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल्स 1/2 इनटू एडी इनटू एच डिवाइड बाय 1/2 इनटू डीबी इनटू एच। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल्स एडी डिवाइड बाई डीबी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। सो पहली इक्वेशन आपको समझ आ गई, पहला स्टेप क्या करना है, इस लाइन को सीधा करना है। ये तीनों बी बी ई पे मिलता है, डी बी ई पे मिलता है और ए बी ई पे मिलता है। अब दूसरा स्टेप करेंगे, पहले स्टेप का जो थर्ड है ये मैं यहीं पे रखूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। अब स्टेप नंबर टू हम करेंगे, स्टेप नंबर टू में देखना क्या करना है, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में ये वाला साइड सीधा करना है, ए ई सी ऐसे, ए ई सी, सी कहां पे जाके मिलता है, डी पे, ई भी कहां पे जाके मिलता है, डी पे, ए भी कहां पे जाके मिलता है, डी पे, तो सारे डी पे जाके मिलते हैं, ए डी ई डी सी डी, तीनों डी पे जाके मिलते हैं। यहां भी दो ट्रायंगल्स बन गई, वन और टू। अब एरिया इन दो ट्रायंगल्स का भी निकालना है, पहले ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिमिलर वैसे ही करना है जैसे पहला स्टेप किया था, 1/2 इंटू बेस, बेस के बदले ए ई, हाइट के बदले एच ई, स्टेप नंबर फोर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला सी डी ई इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस के बदले ई सी, हाइट एच, स्टेप नंबर फाइव। अब इन दो को भी ऐसे ही डिवाइड करना है जैसे पहले स्टेप में किया था, डिवाइडिंग फोर एंड फाइव वी गेट, देख लो हमारा आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई इक्वल्स, अब पहले इसका लिखते हैं 1/2 इंटू एई इंटू एच डिवाइड बाय 1/2 इंटू ईसी इंटू एच, एच और एच कैंसल, 1/2 कैंसल, तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई
डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल्स ए ई डिवाइड बाय ई सी. इसका नाम रखेंगे स्टेप नंबर 5. अगर आप देखोगे हमें यहीं पे जवाब निकलता, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. यहां एडीई ट्राइंगल है, यहां पर भी एडीई ट्राइंगल है, यहां पे सीडीई है, यहां पे बीडीई है, यही प्रॉब्लम है. वरना हम एडी एडी कैंसिल करते, बीडी बीडी कैंसिल करते, तो हमारा आंसर आता है एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स एई डिवाइड बाई ई सी. इसलिए हमें थर्ड स्टेप करना है. इस स्टेप की वजह से, एक पॉइंट की वजह से हमें थर्ड स्टेप करना है. सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा. अब तीसरा स्टेप क्या करना है? तीसरा स्टेप वो याद कर लो जो मैंने पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स बताई थी. जब ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के दरमियान बनती है तो उनके पास कॉमन बेस होती है और कॉन्स्टेंट हाइट होती है. वही स्टेप यहां पर अप्लाई करना है. डी ई एक लाइन है, दूसरी लाइन क्या है? बी सी. बी सी ये इधर कनेक्ट की हुई है, इधर ऐसे और ऐसे. इन दोनों के दरमियान दो ट्रायंगल्स बनते हैं. ये देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है. दोनों ट्रायंगल्स एक ही लाइन के बीच में बनते हैं. मैं ऐसे दिखाता हूं आपको. अब यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. देखो कौन कौन सी ट्रायंगल है. बी डी ई सी डी ई. पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स फॉर्मड बिटवीन पैरेलल लाइंस हैव कॉमन बेस एंड कॉन्स्टेंट हाइट. Therefore, their areas are equal. तो उनके areas equal होते हैं. तो यहां पे हम लिख सकते हैं area of triangle BDE equals area of triangle CDE. अब इसका step number 6 लगाते हैं. Step number 6 को हम step number 5 में substitute करते हैं. क्यों? यहां पे BDE equal to CDE है. CDE के बदले अब क्या लिख सकते हैं? BDE. Substitute 6 in 5. तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के बदले क्या? बीडीई. क्या? क्यों? सीडीई किसके बराबर है? बीडीई के बराबर. तो यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल बीडीई इक्वल्स एई डिवाइड बाई ईसी. इसका नाम रखते हैं हम 7. अब कंपेयर 7 और 3 को करते हैं. देखो कंपेयरिंग 7 एंड 3. गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, यहां पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी. ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या बचा? एडी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ई सी. पहले 3 ही लिखते हैं उसके बाद 7. सो यहां पे आ जाएगा एडी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स एई डिवाइड बाई ई सी. हेंस प्रूव ये हमारा जवाब हो गया. सो आप यहां पे जान लेना कि पहला स्टेप जो करना है, पहला स्टेप में ये वाली लाइन सीधे करनी है, फिर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है. दूसरे स्टेप में ये लाइन सीधी करनी है, फिर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है. तीसरे स्टेप में ये दो पैरेलल लाइंस लिखनी है. इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बनती है, उनके एरियाज इक्वल मानने, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा. और एक बात, अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है कि यहाँ पे ये स्टेप हमें समझ नहीं आगा, आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और कॉमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये स्टेप समझ नहीं आगा, इसको रिपीट कीजिए. हम दूसरे लेक्चर में उस स्टेप को रिपीट करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू वेरी वेरी मच.